भाई स्कूल के बस्तों में क्या तो कॉपी किताब मिला कर है क्या फिर पेंसिल मिला कर है, लेकिन एक हरियाणा का छोरा जिसका स्कूल के बस्ते में दुनिया का सबसे जहरीला सांप पर क्या कर रहा तू पागल है के है मेरे यार जीव यू बुला रखे मुकेश, अरे तू भी सांप पकड़ रहे मुकेश यू के मतलब हुआ भाई है भाई साहब पता क्या है मैं यहाँ सांप को रिलीज करने के लिए आया था। दूर दूर थोड़ा दूर तो बात कर, फॉरेस्ट के अंदर में इन सांपों को रिलीज करने के लिए आया था और साथ में आपका कॉल आ गया तो मैं सोचा दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। कॉल क्या गया यू देखो भाई भाई ध्यान तर है देखिए रे इसमें कितना बड़ा सांप है देखिए थोड़ा तो ये देखो भाई स्कूल का बस्ता जिसमें की दुनिया का अरे तुरंत तुरंत दो तीन दिखे तो है दो तीन सांप है दो तीन है ध्यान तो भाई तो सारे भाइयों ने राम राम भाई मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक और दुनिया का सबसे जहरीला सांप का लाग जो ढेक। हालांकि सांपा के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं आज उसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके गिल्ले गिल्ले कोबरा तो भी ज्यादा खतरनाक जो सांप है वो इस बस्ते में कैद है। अरे छोरे तो नडर को लग गया ना अंडर के लग गया के नाम तेरा मेरा जितेंद्र है जितेंद्र है सब कोई तो बस्ते में कॉपी किताब रखे है रतना पढ़ाई तक पढ़ाई करने तक कोई मतलब नहीं मेरे ख्याल से पढ़ाई कर लिया बना है फिर भी सांप पड़ेगा और है हैं और है तो ये देख सको भाई इस सांप को रेस्क्यू करने खातिर हमने बुलाया है स्नैक मैन मुकेश को जो कि खतरनाक दुनिया के बड़े बड़े खतरनाक सांपों ने पकड़ लिए है। तो वो तो वही बात है भाई इतने बड़े बड़े जहरीले सांप है आजकल भ्रष्टाचार वाले जो अजगर है नी पूरा समाज मैं के सांप नहीं पकड़े जाते नहीं पकड़े जाते ये सब पकड़े जाते नहीं वह को नहीं पकड़े जाते ठीक है। मुकेश भाई ने देखो कितनी गहरी बात कही है वह आस्तीन के सांप जिनने की पूरे देश की जड़ों को खोखला कर रखा है यूके जीव से किसी कड़ है ये भाई साहब पता लगाता है कि यहाँ का माहौल कैसा है अच्छा इसको कोई खतरा है या नहीं है। चलो भाई सांपा की अगर मैं बात करूँ तो नागमणि की बात करा या फिर सांपा के जोड़े की बात करा या सांप दूध पिया करा है नहीं पिया करा है और कितने सांप जहरीले हुए हैं। फिलहाल मुकेश भाई का हाथ में जो ये सांप है हाथ तो ला दिया मैंने अच्छा मुकेश भाई इस सांप की विशेषता बता दे पहले। ये भाई साहब धामन सांप है जिसको हम घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं रेड स्नेक भी बोलते हैं अच्छा ये चूहे खाने में एक्सपर्ट होता है अच्छा। और किसान का मित्र है सबसे बड़ा ठीक बात किसान की जो फसल बचाता है ना 22% से 24% तक जो फसल बचती है वो इनसे बचती है। ला भाई कई बार किसान ने खेता में जब सांप दिख जाए तो डर जाए हैं इस तरह का सांप कोबरा को मारने में 7 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है अच्छा। कानूनी अपराध है ये एक ले भाई बड़ी बात जो बड़ी जानकारी जो काले हिरण का मुकदमा जो काले हिरण का मुकदमा अच्छा उस पर चल रहा है सलमान खान पे जी वो सेम धारा कोबरा के लिए बनाई गई है कानून के अंदर। चलो कोबरा की अगर मैं बात करूँ तो भाई फिलहाल जो है मुकेश भाई इसमें तो सांप ने रिलीज करेगा उससे पहले कुछ जानकारी मैं गले गले देता रहूं कोबरा की बात करा या बहुत सारे जहरीले सांपा की बात करा। सबसे पहले मैं सांप को छोड़ देता हूं भाई साहब अच्छा। धामन सांप जो अपने पर्यावरण में जाके खुश रहेगा ले भाई इसकी चाल देखेंगे पहले तो अब बिना घर बने पानी न चाली ये सेक्टर 8 से पकड़ा गया था अच्छा घर में घुस गया था इसके पीछे नेवड़ा भी लगा हुआ था। देखो भाई ध्यान तरह कहता किसी का पजामा मर जाए ये देखो भाई ये गया भाई धामन राम राम भाई राम राम बाकी तेरे साथी ना भी राम राम दे दिए हो गया भाई झाड़िया में। तो फिलहाल जींद की बिहड़ की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो और स्नेक मैन मुकेश जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक सांप दिखाने वाला है ध्यान तो भाई सब ध्यान तो ये देखो भाई एक और काट दिया तो है ये कौन सा है इसमें जी कॉमन क्रेड सांप ये कोबरा से भी खतरनाक है जो कोबरा से 5 से 6 गुना ज्यादा जहरीला सांप है अच्छा। और इसको साइलेंट किलर बोलते हैं साइलेंट किलर। तो मुकेश भाई सांपों के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं भाई नागमणि भाई कोई मणि बना ये सब भाई साहब पाखंड है दूध पिया कर सांप ना कोई सांप दूध पी सकता ना इसके अंदर ऐसा कोई नियम होता है कि वो दूध को पचा सके। ला भाई सांप के अंदर कोई भी ऐसा पाचन तंत्र को नहीं होता जिस तक वो दूध न पचा सके तो ये भ्रांति है अगर भी सांप दूध पीवा है या भी भ्रांति है भाई नागमणि हुआ है तो अरे ये जोड़े की बात है अच्छा। तो मुकेश भाई जिस तरह का भी सांपा के जोड़े हुए हैं अरे एक सांप मर जाए जोड़ेगा तो दूसरा सांप उसके लिए खतरा बन जाए ना जी ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सांप के अंदर ऐसा कोई दिमाग नहीं है स्टोरेज नहीं है अच्छा। कि वो किसी चीज को पिछली को याद रख सके यानी कि मेमोरी कार्ड छोटा है जो भाई बिल्कुल जी भूल जी है ऐसा जी ना उनके आंखों में कोई कैमरा लगा होता अच्छा आंखें में जिसकी फोटो खींच जाए तो उसका बदला लेने खातर सांप जो है उसका पीछा करे है उसके अंदर ऐसा कोई कैमरा नहीं लगा होता अच्छा। और ये सब पाखंड अपनी फिल्मों में तो दिखाया गया ना जी वही धारणा किसान साथी मौजूद है जो नहीं बताओ था थोड़ी अनपाल भाई मारा खेत में किस उसने किसी ने सांप मार के टांग दिया था तो ये बताओ था भाई हाँ भाई
के मामला बढ़िया फिर रोक के ओड़े आए जावा सांप सारी आणू उसका दो रहे दूसरा सांप है जो हां दूसरा सांप है जो वो तो भाई गोड्डा मोड़ना आंदा होगा करे या भी उसका दूसरा साथी मर गया तो उसका गम आंदा होगा गम तो आवे हां सो ले भाई के नाम इसका सांप का कॉमन क्रेट भारत का सबसे जहरीला सांप ले भाई ये देखो इतना खतरनाक सांप है ध्यान तो भाई दूर बहुत सावधानी था फिलहाल इस सांप ने तो हम देखने लग रहे हो और सांपों को मारना कानूनी अपराध भी है ये देखो भाई एक बात है पूरा तेरा भला हो जी भारत का सबसे जहरीला सांप साइलेंट किलर ये फेंकता तो नहीं इसके ऊपर बनी हुई लाइनिंग को देखिए फुकारे तो नहीं मारता ये फुकारे वाला सांप नहीं है जी साइलेंट किलर है तो बिल्कुल ही शांत रहने वाला चुपचाप है और ये अपना चुपचाप रह के इतना बड़ा काम कर लेता है आदमी रात में सोंदे हुए आदमी के बिस्तर में आके लड़ता है ये तेरा भला हो जी विक्की इस सांप के ऊपर तने लकीर दिखी लकीरों से पता लगता है कॉमन क्रेट का कॉमन क्रेट है हाँ जी भारत के सबसे जहरीले सांप न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है इसके अंदर अच्छा जिस कोबरा से भी खतरनाक कोबरा से लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा जहरीला सांप है ये भाई दुनिया में वैसे कोबरा को सबसे खतरनाक सांप माना जावे है लेकिन कोबरा से भी 7-8 गुना ज्यादा खतरनाक सांप है ये इसकी एक बूंद जो जहर की है वो कई आदमियों की सांस सुखा सके है इसकी गुलाबी जीभ होती है और काले रंग का सांप होता है सफेद रंग की लाइनिंग अच्छा इसका नाम क्या भाई तेरा नाम क्या है कॉमन क्रेट देखो भाई देख सको था हम साइलेंट किलर तो मुकेश भाई इसको कितना पकड़ा ये भाई साहब कल रात को मेरे को डीसी कॉलोनी से मिला है ये अच्छा और इसके अगर ये किसी को भी बाइट करता ना सांप तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ एंटीवेनम लगाओ एंटीवेनम ही आपकी जान बचा सकती है अच्छा एंटीवेनम हां जी ओजा तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े बिल्कुल ले भाई कई जने नुका दे अभी झाड़ा लुवा ले सांप लड़ गया तो फलाना है दिखड़ा है जी भाई साहब मैं आपको एक स्पष्ट बात बताता हूं अपने यहाँ कोई भी सांप है 95% सांपों में जहर नहीं होता अच्छा 5% सांप ही जहरीले होते हैं अगर वो 95% जो सांप बिना जहर के हैं उनके काटे हुए का तो वो इलाज कर देंगे बिल्कुल झाड़फूक वाले लेकिन जब कॉमन कैट कोबरा दसल वाइपर ऐसे खतरनाक सांप किसी को लड़ते हैं ना तो आदमी उनके चक्कर पड़ के अपनी जान से हाथ धो देता है ले भाई और जो आस्तीन का सांप है वो जो किसी का लड़ जाए उसका इलाज किसे तो रखो नहीं भाई उसका किसे तो ले भाई छोड़ दे भाई उन्हें कॉमन कैट ध्यान तो देखो भाई इसकी चाल देखिए भाई ध्यान तो मुकेश भाई भाई थोड़े दूर हो लो ये देखो भाई ये गया अपने दोस्तों के पास किस तरह से गजब की चाल कॉमन क्रेट दुनिया का सबसे खतरनाक सांपों में इसकी गिनती है भाई विकीब के कर है झाड़ी सांप तो जा लिया तो झाड़िया ने देखा है हो गया हो गया हो गया तो फिलहाल जो है ईब है कोबरा की बारी तो स्नेक मैन मुकेश जो कि रेस्क्यू करके और सांपों को भीड़ में छोड़ दे है ताकि ये अपनी जिंदगी जी लें क्योंकि भाई वही बात है सब ने आज़ादी पसंद है बिल्कुल जी और ये कोबरा यू कितना बड़ा है ये लोग 3-4 फुट के करीब गए ज्यादा बड़ा नहीं है और ये कल रात को जलालपुरा गांव से मिला था अच्छा जी तो हम तो गए थे कॉमन कैट के चक्कर में छोटा सा सांप बताया गया था लेकिन वहां जाके देखा तो घर के अंदर ये बैठा था अच्छा जी फुंकारे मारा था तो फिलहाल देख सको भाई तुम बहुत सारी जानकारी मुकेश भाई ने दी है भाई बहुत सारे ऐसे सांप हैं जो किसान के मित्र हैं बहुत सारे ऐसे सांप जो जहरीले को नहीं होंगे हाँ जी सबसे बड़ी बात है कि इस कोबरा सांप के जहर से एंटीवेनम बनती है जो कैंसर का इलाज में भी काम आती है और सांप काटे उसका इलाज भी इसी से होता है अच्छा न्यूकाग्रह तो कोबरा सांप से के जहर से कई सारी ऐसी दवाई बने हैं जिनका इलाज सांप के काटे का इलाज करने में काम आवे है तो ये देखो भाई जानते हैं मुकेश भाई देखो फुंकारे फुंकारे वाला ऐसा क्या बात सुनाओ जी ये फुंकार की आवाज जो आ रही है ये कोबरा के पास इसका लोग गुस्से में हां अभी ये गुस्से में वैसा पैक हो रहा है विक्की भाई थोड़े थोड़े से जो फिलहाल जो है कोबरा फुकारे मारने लग रहे हैं भाई साहब कमाल है मुकेश भाई ध्यान दे ये भाई साहब ये निकल के राजी नहीं होया करता अच्छा? इसको ये ऐसा लग रहा है कि इसका जो घर है ना उससे ज्यादा सेफ इसके अंदर है वो अच्छा ये देखो वापिस आ गया निकलने की इच्छा नहीं है इसकी निकल निकल बाहर निकल बाहर निकल निकलना तो भाई साहब पड़ेगा ध्यान दे भाई कोबरे तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देख रहे हो कोबरा सांप की अगर मैं बात करूं तो इसका जो जहर है कई सारी दवाई इस तरह बने हैं और
कोबरा सांप के जहर की इलाज की अगर मैं बात करूं तो कई सारी कैंसर की अगर मैं बात करूं तो कैंसर में भी इसका दोबारा फिर अंदर जावे इसका तो बाहर निकलने का जी कौन कर थोड़ा बोलो जी ये दिखाई भाई थोड़ा नजदीक था ये देखो भाई ये देखो सबसे खतरनाक अंदाज ये देखो हाँ बिल्कुल ये जो ये फुल फुल मुद्रा में आ गया भाई ये एक बात थोड़ा बोलाओ जी देखिए मुकेश ध्यान था भाई ये देखो भाई ये देखो विक्की उरान मुंह कर देख उरान था दिखा तेरा बोलाओ जी देख पुकारे रखे नाम तेरा रखे करना आज तो फिलहाल इसको सुरक्षित लैंडिंग करवाई जा रही है भाई जिस तरह चंद्रयान थ्री को चांद पर भेजा गया था ठीक इसी तरह से इस कोबरा को चीन की इस बिहड़ में अरे उरान तो दिखा विक्की इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसके जहर से कैंसर का इलाज होता है जो हमारे को किमो दी जाती है कैंसर के इलाज के अंदर वो इसी के जहर से बनती है ठीक है जी और सांप कोई भी सांप काटता है उसके सांप का एंटीवेनम भी इसी से बनता है कौन से सांप काटता है रसल वाइपर कॉमन क्रैट या कोबरा ये जो भी सांप काटेगा उसका एंटीवेनम भी कोबरा सांप के जहर से ही बनता है यानी कि जहर न जहर मारे और कोबरा सांप की तो बहुत ज्यादा जरूरत है देश के अंदर अगर कोई कोबरा सांप को मारता है उसको 7 साल की जेल का प्रावधान है बिल्कुल बिल्कुल काले हिरण का मुकदमा और कागज का बराबर है एक ही धारा लगती है तो फिलहाल तो हम देख सको भाई कोबरा यानी के दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिनती होने वाला कोबरा जहर जिसकी एक बूंद कई मानसा की जान ले सके है इतना खतरनाक कोबरा और फिलहाल अपने फूल उस पे यू अंगड़ाई ले मुकेश भाई तो ये देखो जी जैसे वो बीनी लाते ना सवेरे वो बीनी को ऐसे ऐसे लाते हैं तो सांप ऐसे हिलता है इसने भी देखा है हाँ बिल्कुल देखेगा जी कोई भी चीज का हिलेगी उसे पीछे हिलेगा ये देखो ये हर हिलने वाली चीज के पीछे चलता है जी संसार क्रांति का फैन है वो है संसार क्रांति का फैन और कर रहा फन पाकन ज्यादा अट्रैक्टिव कोई कपड़ा कुपड़ा कुछ भी हो तो फिलहाल जो है तो हम देख सको मुकेश भाई इसको कहाँ से पकड़े मुकेश भाई ये मैंने पकड़ा जी रात को जलालपुरा गांव से अच्छा एक भैया आप पीछे हो गए चलो फिलहाल जो है मुकेश भाई ने इसको रिलीज हो भाई छोड़ दिया ये लो भाई ये देखो किस अंदाज में गजब के अंदाज में चाल देखो इसकी बोले 52 गज का चुप करे हो 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी आराम से भाई ने न्यू हेडर कोनी ने इसको कोई डर नहीं है किसी से भी सलाह तो नहीं कर ले चलो तो मुकेश भाई कैमरामैन विक्की उन्होंने आ गया मुकेश भाई इब जो घर में सांप एकदम से मिल जाए है तो उस तक चुप कर तो सावधान रहना चाहिए के सावधानी बरता है और चुप कर आप तक संपर्क करे जावे ऐसा है भाई साहब कोई भी कॉल मेरे को कर सकता है किसी भी टाइम कर सकता है मैं इस काम के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मोबाइल नंबर मेरा 90345 90548 यूट्यूब पे मेरा चैनल स्नेक मैन मुकेश जांगड़ा जीत के नाम से जब कितना भी सांप मिल जाए तो मुकेश ने याद कर लियो और सावधानी के बरतना मान लिया घर में सांप आ गया तो सबसे पहले तो जैसे मैंने साइलेंट किलर के बारे में बताया था आपको जो हमने सेकंड नंबर पे छोड़ा है उस सांप के अंदर क्या है कि वो रात को आगे बिस्तर में सोता है अच्छा। और पुराने टाइम में जो अपने बूढ़े क्या करते ना कि बिस्तर झाड़ के सोना चाहिए हाँ। वो इस सांप के चक्कर में क्या करते जी यानी कि बेड रेस्ट जिस तरह डॉक्टर बेड रेस्ट बता रहे हो उससे पहले एक बार बिस्तर को अच्छी तरह से झाड़ के फिर सो आजकल तो भाई साहब बेड नाम की जो अपने चीज आ गई ना उसकी चादर भी कौन चढ़ती घर में लेकिन झाड़ना जरूर चाहिए और खास तौर पर जो बालक है जो स्कूल में जानिए भाई वहाँ अपनी कापी किताब चेक कर दे रहा अगर कदे स्कूल में किताब और कापी की जगह सांप पावे और जूतियां की अगर मैं बात करूं तो कई जगह देखे भाई जूता के भीतर भी बढ़िया पैज है हां ये साइलेंट किलर बिल्कुल जी जूते के अंदर भी रहते हैं जूते झाड़ के पहनो तो जी भी जूते पारो भाई झाड़ के जूते झाड़ के बिस्तर झाड़ के सो सफाई का पूरा ध्यान रखो जितना कम आप घर में संभाल सको ये बीच में किताब का लिए किताब का लेकर पढ़ लिया कर भाई एक बात आई छोरा बिजमा सांप बरगा देखिए चलो भाई फिलहाल इन तस्वीरों पे छोड़ के तरते जान लग रहे हैं सांप पता रहो सावधान दो डाल के सांप एक तो यह सांप और एक आस्तीन के सांप तो सारे का इलाज
कुछ का इलाज तो मुकेश भाई है और कुछ का इलाज संसार क्रांति है। कर दो जिला के शेर शेरिंग का तर दो फतूर ताकि इन खतरनाक सांपा तरह दूर। मैं हूं तेरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।